आते हो, जैसे कि अगर आप 12 इयर्स की एक बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, 25 ईयर ओल्ड लेडी है जो डॉक्टर के पास जाना चाहती है, क्यों? क्योंकि शायद उन्हें आगे जाके कंसीव करना है, प्रेग्नेंट होना है, या फिर एक 45-50 ईयर ओल्ड लेडी है जिसको अगर आप डॉक्टर के पास ले जाते हो कि नहीं अरे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, उधर दर्द है, उधर दर्द है, समझ नहीं आ रहा डॉक्टर कि ये हो क्यों रहा है, तो जितने भी डॉक्टर्स है ना वो एक ही चीज, एक वर्ड उनका कॉमन हो गया, वो यही कहते हैं, हमारे पास भी वो वर्ड कॉमन हो गया कि मेरे बॉडी, आपके बॉडी में मैडम हार्मोनल इम्बैलेंस है। क्या कहते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस है, और ये बोलते हैं और दवाइयां लिख देते हैं चार, अब आप देखो, ये कोई नहीं समझाता कि ये हार्मोन्स है क्या, सिर्फ आज ही थोड़ी ना हमारे बॉडी में ये ना अचानक से इम्बैलेंस इन्होंने क्रिएट कर दिया, ये हार्मोन्स हमें बचपन से मदद करते हैं आगे लेके जाने में, और शायद आगे भी करेंगे, पूरा जब से हम पैदा हुए तब से हार्मोन हमारे बॉडी में हर एक छोटी छोटी चीज कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये इसके बारे में कोई समझाता नहीं है, कोई बताता नहीं है, और बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन्हें समझना ताकि जो आपको कम लगे उस चीज पे आप एक्ट कर सकते हैं, है ना। हमने हमेशा ये चीज यहाँ पर एक फोकस रखी है कि रिएक्शन में सिर्फ प्रोडक्ट 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 के बारे में नहीं बात करना है, आपको इंसान को समझना है, आपको इंसान सामने वाले इंसान की मदद करनी है, ये चीज हम हमेशा कहते हैं, और उस मदद करने के लिए ना आप एक्सपर्ट बन के बैठो, ये जरूरी नहीं है, जो सामने वाला इंसान है वो अपनी बॉडी का एक्सपर्ट है, आपको आपकी बॉडी के बारे में ज्यादा पता है, आपको आपकी बॉडी के बारे में ज्यादा पता है कि कब मुझे भूख लगती है, कब मुझे नींद आती है, कब मुझे यू नो कब मुझे बेचैनी होती है, परेशानी होती है, हर इंसान अपनी बॉडी के बारे में एक्सपर्ट होता है, तो हमें एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है वहां पर हमें उस इंसान की मदद करनी है कि उसे भी समझ आए कि बॉडी में कहाँ पर लोचा है या केमिकल लोचा है, तो उस बारे में मैं आपको थोड़ा सा उसके दौरान हम जाएंगे, तो यहाँ पर जितने भी बैठी लेडीज है ना, मैं एक चीज की विनती करूंगी कि आप बोलिए आज, जब तक आप बोलोगे नहीं ना मैं वही चीज बताऊंगी जो मैंने सुनी है लोगों से या मुझे जिसके बारे में पता है, है ना, मैं वही चीजें बोलूंगी, पर हाँ अगर आप खुद सामने से नई चीज बताओगे और ये मत सोचे कि ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर किसी के साथ वो चीज होती है, हम हमारे ही इसमें होते हैं इसलिए हमें समझ नहीं आता, तो जब भी कोई ऐसे सवाल आए कुछ आए आप बोलिए मैं जानना चाहूंगी, मैं समझना चाहूंगी, उस बारे में फिर हम आगे बढ़ के वैसे और सेशन रख सकते जिसमें आपका ही मदद, आपको ही मदद नहीं होगी, यहाँ बैठी सारी लेडीज हर एक बच्ची को यहाँ पर उस चीज की मदद होगी, ठीक है। तो आज ये जो वर्ड है हार्मोनल इम्बैलेंस, हम इसको समझेंगे, हार्मोन क्या होता है इसको समझेंगे, और जो उसके सिम्टम्स है या जो चीज से वो ट्रिगर होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे, है ना। हार्मोन एक ऐसी चीज है हमारी बॉडी में, हमेशा हमने यहाँ पर बात की है उस बारे में कि बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, है ना, बॉडी पूरा एक सिस्टम है, उसके प्रॉपर जैसी बड़ी कंपनी होती है ना वैसे हमारी बॉडी एक कंपनी है, हर एक चीज यहाँ पर उस चीज मतलब हर एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड है, आप जैसे जो खाना खाते हो वो मैटर करता है, आप जिस तरह सोचते हो वो मैटर करता है, आप जितना सोते हो, आप जिस तरह का पानी पीते हो, आप जिस एनवायरमेंट में रहते हो, कहाँ पर रहते हो, कैसी सांस लेते हो, ये सारी छोटी छोटी चीजें आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है, है ना। पर इंटरनली भी इतना बड़ा सिस्टम है, यहाँ पर मैं खुद 5 फुट 7 इंच की हूँ, इतना बड़ा सिस्टम है तो कुछ मैसेज पहुंचने टाइम तो लगता है, लगना चाहिए ना, पर ऊपर वाले की इतनी बड़ी देन है, कुदरत की इतनी बड़ी देन है कि टाइम नहीं लगता है ना। अगर मुझे यहाँ पर अगर किसी चीज ने प्रिक किया है, अगर चींटी काट ली, मुझे फट से समझ आता है कि चींटी ने काटा, ये सारी चीजें कैसी होती है, तो कुछ ऐसे दूत होते हैं या मैसेंजर्स होते हैं तो फट से ब्रेन से रिलीज करके इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ठीक है, और इस दूतों को, इन मैसेंजर्स को भी हम हॉर्मोन्स कहते हैं। अब हॉर्मोन्स तो हर मेल बॉडी में भी होता है, फीमेल बॉडी में भी होता है, लेकिन फीमेल बॉडी में इनका इम्पोर्टेंस ज्यादा है या ये ज्यादा दिख कर आता है, बिकॉज हम खुद ही इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इतनी ब्यूटीफुली बनाई गई है ना कि आसानी से वो चीजें किसी को समझ में भी नहीं है, तो जो एक वुमेन की बॉडी है ना वो बहुत ही खूबसूरत सा एक बहुत ही इंट्रिकेट पैटर्न है, इंट्रिकेट मतलब वो बारीकी से काम किया हुआ पैटर्न, तो इतने सारे उसमें हॉर्मोन्स है, इतनी सारी चीजें है कि कभी कभी डॉक्टर्स को भी नहीं समझ पाता, वो एक वर्ड लिख देते हैं हॉर्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि वो चीज पिन पॉइंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया आज के जमाने में, है ना, जितना रिसर्च बढ़ रहा है उतनी ज्यादा
छोटी से छोटी चीजें बाहर आ रही है और उसका सुझाव या उसका सोल्यूशन देना एक चीज पे मुश्किल हो गया। तो यहाँ पर हॉर्मोन्स बॉडी में, वुमेन की बॉडी में बहुत सारे होते हैं जो एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं, यानी दूध की तरह काम करते हैं कि ये पीरियड यहाँ पर ये है तो एक लेडी ऐसे बिहेव करेगी, ये एक दूसरा पीरियड है तो यहाँ पर लेडी ऐसे बिहेव करेगी। जो कहा ना कि मूड चेंज हो जाता है फट से, अभी आप अच्छे थे, अच्छे हंस रहे थे, खेल रहे थे और अचानक से ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की परेशानी आपके कंधों पे ही बैठी हुई है। ऐसा होता है ना काफी बार, आप बैठे होते हो और अचानक गर्मी लग रही है और अचानक से ठंड भर के आ जाती है। या फिर ये भी होता है कि कभी एनर्जी सुबह उठते हुए तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आपने एक काम कर लिया उसके बाद आपकी पूरी एनर्जी क्रैश हो जाती है। ये बिल्कुल सडन स्पाइक्स एंड ड्रॉप्स, ये सारी चीजें ये दूध कंट्रोल करते हैं और ये हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं, दूसरे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं यहाँ से रिलीज होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वहां से रिलीज होता है। और वुमेन की बॉडी जो है, जो पूरे एक महीने का जो पूरा साइकिल होता है उसके भी कुछ दिनों में वुमेन की बॉडी का फेज अलग होता है और दूसरे इसमें अलग होता है। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने महीने के चार दिन जिस तरह काम किया मैं पूरा महीना उसी वे में काम कर पाऊंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं, आपकी बॉडी उस चीज के लिए डिजाइन ही नहीं है। तो खुद से कभी भी खफा नहीं होना है, खुद को कभी भी बुरा नहीं बोला है तुमने 10 दिन काम किया उसके बाद तो किया ही नहीं। बॉडी के अलग अलग फेजेस होते हैं, मूड्स होते हैं, इनको समझिए, ये पैटर्न को थोड़ा ध्यान दीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ध्यान बाहर नहीं खुद पे लगाइए। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पर मैंने कहा कि हमें खुद को समझना है और सामने वाले को और खुद के बॉडी का एक्सपर्ट बनना है कि हाँ ये मेरा जो टाइम है महीने का 10 to 12 इसमें मुझे इतनी एनर्जी फील होती है कि मैं ये वाले अपने काम यहाँ पर कर सकती हूँ। तो हार्मोनल स्टडी जो है इसीलिए भी पिन पॉइंट करना मुश्किल है क्योंकि हर एक बॉडी अलग होती है, हर एक बॉडी की नीड्स अलग है, हर एक बॉडी का जेनेटिक मेकअप, जो आप जिस चीज से बने हो वो चीज अलग है। हाँ दिखने में तो हमारे पास सबके पास दो हाथ दो पैर एक कान एक नाक है, दो कान एक नाक है, पर हमारी जो बॉडी की जो पैटर्न्स है या आप जो बोलेंगे कि उसकी जो बनावट है, आपका खाना और दूसरे का खाना अलग है ना, आपकी सोच दूसरे की सोच में फर्क आएगा ही आएगा। तो ये जो यूनिकनेस है ये बहुत प्यारी चीज है और हॉर्मोन्स ही ये यूनिकनेस को सामने लेके आते हैं। हर एक दो लेडी का मूड कभी सेम नहीं हो सकता, अलग ही होता है उस हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर इस चीज में हम थोड़ा और फोकस करेंगे। तो ये वुमेनहुड का जो जर्नी होता है, जैसे मैंने कहा कि एक बच्ची से लेके एक 7 साल की बच्ची से लेके एक पूरा 55 ईयर ओल्ड लेडी 55-60 के आसपास, यहाँ तक का पूरा जो एक वुमेनहुड का पीरियड होता है ना, ये सारा हॉर्मोन्स पे डिपेंडेंट होता है। बहुत सारे इसमें चेंजेस आते हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसको बच्चों स्पेशली वो एज में बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन चीज से कभी भी हमें शर्माना नहीं है या इस चीज को छुपाकर नहीं रखना है, क्योंकि जितना आप उनको नहीं बताओगे उतना ही ज्यादा डाउट क्रिएट होगा, उतना ही ज्यादा उनको गलत गलत चीजों में जाने का ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो आपको अच्छे से समझाना है, आपको चीजों को नॉर्मलाइज करना है। आज हम यहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सिर्फ यही चीज डिस्कस करने आए हैं जिसको शायद कुछ साल पहले एक टैबू माना जाता था। टैबू यानी ऐसी चीज जिसको छुपा के रख दिया जाए, गंदी चीजें इसके बारे में हम खुल के बात नहीं कर सकते, पर शायद तब भी हमने बात नहीं की और आज इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम आज फेस कर रहे हैं। तो हम आगे आने वाली हमारी जनरेशन के लिए स्टेप लेंगे, आज से हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे बारे में। आप जो आपको समझ आए वो आप जाके 2-3 लोगों को और बता सकते हैं कि बॉडी में ये सारी चीजें भी होती है। तो उसके लिए कोई भी मेडिसिन के लिए भाग उठना या कोई भी चीज को समझना कि मेरी बॉडी मेरे लिए काम ही नहीं कर सकती, ये सारी जो हमारी थिंकिंग है वो थोड़ी गलत है, इसको बदलने का समय आ गया, इसको चेंज करने का समय आ गया। मेनार्की वो स्टेज है जो मैं जैसे बता रही थी कि बच्चों को ये इस चीजों के बारे में समझाना जरूरी है, सिर्फ बात करना जरूरी है ताकि उन्हें भी पता चले कि ये चीज क्या है, उसके साथ हम डील कैसे कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम एक बच्ची को पीरियड्स आते हैं या फर्स्ट टाइम जब वो सारे चेंजेस के थ्रू गो थ्रू होती है, वो उसके लिए बहुत डरावना और ऑलमोस्ट एक खौफनाक पीरियड होता है। ये अचानक से क्या होगा, ठीक है, एक अच्छा लड़कपन रहता है, बचपना रहता है, उसके बाद अचानक से जब ये चेंज आता है
तो लड़की के बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं, फेस अलग हो जाता है, यू नो पीरियड्स के टाइम पे वो बहुत सारे क्रैम्प्स फेस होते हैं, अचानक से उसके ऊपर बाधाएं लगनी चालू हो जाती है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, कोई बहुत बड़ा चेंज का पीरियड है। और यह पीरियड आसान नहीं है किसी के लिए, यहाँ पर बैठे हम सब है, हमने सब उस चीज को, उस चीज के थ्रू हम गए हैं। पहला दिन सबको याद रहता है, इतना पेन रहता है, सब कुछ रहता है, समझ नहीं आ रहा अचानक से क्या हो गया। तो ये चीजों के बारे में बच्चों से बात करना बहुत जरूरी है। और ये जो हॉर्मोन्स इस चीज को ट्रिगर करते हैं, वो सही एज है बच्चों को अच्छा खाना देना, अच्छा पोषण देना और अच्छा उनके बारे में बॉडी में थॉट्स लाना। वो एक ऐसा फेज रहता है जहाँ पर जब लड़की खुद को देखती है ना मिरर में, उसको सब चीज अजीब लगती है, अचानक से लगता है कि फेस बड़ा हो गया, बॉडी छोटी हो गई है, अचानक से लगता है कि कोई भी कपड़ा मेरे ऊपर फिट नहीं आ रहा है ना, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं बॉडी, फेस के ऊपर पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में हेयर आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब होती है तो लड़की बहुत ज्यादा सहम जाती है, डर जाती है। और ये सारी चीजें नए हॉर्मोन्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो आपको सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं, उसके प्रोडक्शन की वजह से होता है। तो ये कोई बुरी बात है, अच्छी बात है, ये होना जरूरी भी है ना, इसको आगे जाके मैच्योरिटी में लाना भी जरूरी है। पर वो चेंज को जो, वो जब चेंज का जो ड्यूरेशन है, वहां पर उसको समझना, उसको समझाना और उस चीज को नॉर्मलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वहां पर ये सारी चीजें का फोकस करना कि आप कम नहीं हो, आप किसी से कम नहीं हो, आप सुंदर, ऐसा नहीं कि आप में आप अच्छे नहीं दिख रहे हो या आप अगली दिखना स्टार्ट हो गए, अभी आपकी बॉडी चेंज के थ्रू जा रही है। और यहाँ पर बॉडी को जितना जरूरत है एक्सरसाइज करना या आप जो कह सकते हैं अच्छा खाना खाना, ये टाइम की वो नीड है, उस दौरान ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए ताकि आगे जाके बॉडी हेल्दी रहे। तो उसको नॉर्मलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और बच्चों तक ये बात पहुंचाना जरूरी है। फिर आता है मेन, जब थोड़ा बहुत ये चीजें नॉर्मल हो जाती है, एक दो साल हो जाता है, फिर आपको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है या पीरियड्स जो है वो आपको मंथली बेसिस पे आना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ये आसान है? हम सब इसके थ्रू जाते हैं। क्या ये चीज आसान है कि आप महीने के 6 से 7 दिन आप लिटरली ब्लीड करते हो, आपके बॉडी से खून जाता है, अगर कोई जाकर खून दे आता है तो आपको थकान महसूस होती है ना, और वो एक इतना सा खून लेते हैं आपके बॉडी से 250-300 ml, नॉट इवन दैट मच, एंड बॉडी तब कितना थकान महसूस, फट से हम क्या लेके जाते हैं, पार्ले जी बिस्किट और चाय, एप्पल खा लो, ये खा लो, थकान हो। और यहाँ पर हर एक महिला हर महीने अपने बॉडी से कुछ ml ब्लड हमेशा लेट डाउन करती है, और वो जो पूरा टाइम होता है, इसको पीरियड भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो एक पूरा एक ड्यूरेशन होता है 5 to 6 days, 7 days, और हर एक का बॉडी अलग है, हर एक का साइकिल अलग है, कभी कभी वो 10 to 12 days में भी चला जाता है। इतने सारे चेंजेस होते हैं वो टाइम में कि यहाँ पर बॉडी में क्रैम्स आना, इसको बोलते हैं अर्ली फॉलिकुलर फेज, यहाँ पर बॉडी में क्रैम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली आपका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जो एक फर्टिलाइज नहीं हो पाया है, उसको वो बॉडी से शेयर आउट कर देता है। यहाँ पर बॉडी बहुत ज्यादा थक जाती है, बॉडी में इतने सारे क्रैम्स आते हैं क्योंकि आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है ये लाइनिंग को, बॉडी में लिटरली ब्लड लॉस होता है, कहीं और से खून जाता है तो हम क्या करते हैं, फट से बैंडेड लगाते हैं ना, टेक केयर करते हैं, यहाँ पर हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को वो टाइम पे खुद का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर टेक केयर करना, स्लीप लेना। बहुत सारी लेडीज जो वर्किंग है उन्हें ये भी पता होगा कि वो टाइम में भी आपको ऑफिस जाना पड़ता है ना, उतनी मेहनत करनी पड़ती है, घर में खाना भी बनाना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है, तभी वहां पर कोई छुट्टी या रेस्ट नहीं ले सकते, सिक लीव हम नहीं ले सकते। तो ये जो पीरियड होता है, यहाँ पर बॉडी थोड़ी सी डाउन हो जाती है और उसके बाद फिर वापस से जब एक नया पीरियड स्टार्ट होता है तो आप देखोगे कि पीरियड के जस्ट बाद थोड़ी एनर्जी आपकी हाई हो जाती है। ये बहुत प्रॉपर टाइम है अच्छे से एक्सरसाइज करने का और जो एनर्जी आपकी बॉडी में है उसको कहीं यूटिलाइज करना। आपको लगेगा कि आपको यू नो न्यू थॉट्स आ रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है, एक एनर्जी अंदर से लग रही है, ये सारी चीजें होती है। फिर आपका आता है मिड ल्यूटियल फेज, ये एक फेज ऐसा होता है जहां पर थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ मेरी स्किन में ना अलग से ग्लो आ रहा है, बॉडी आपकी अच्छी लगेगी, बॉडी को ऐसा ग्लोटेड या हैवी हैवी नहीं लगेगा, तो ये भी एक फेज होता है। एंड देन जस्ट जब पीरियड आने वाले होते हैं 6-4 दिन पहले, कोई भी लड़की आपको बोली मेरे को पिंपल आना स्टार्ट हो गए हैं, हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा बेड से, थकावट लग रही है, मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, मेरा ये होता है ना, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, साइड में बोले यार आज मेरा मन ही नहीं लग रहा, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा, तो वो ये फेज है। तो कभी भी सब ऐसी चीजें होती है क्योंकि हम ये गो थ्रू करते ही रहते हैं,
हमारे इसमें कभी स्टॉप नहीं आता लाइफ में, है ना, ये हम गो थ्रू करते ही रहते हैं। तो ये जब चीजें होती है तो कभी बॉडी को क्या नहीं बोलना चाहिए कि ये मेरे से नहीं हो सकता, मेरी तो आदत ही बन गई ये चीजों को डिसाइड करके नहीं करना, ये चीजें गलत है। बॉडी चेंजेस के थ्रू जा रही है और इसीलिए आपको वहां पर डीमोटिवेट नहीं होना है। जितना आपसे बल पड़े, जो आपसे बल पड़े वहां पर वो चीजें करने की कोशिश करना चाहिए। तो एक बेसिक वापस से, जब भी पीरियड क्रैम्प से ऐसा कुछ आए तो आपको आपके पोषण का काफी अच्छा ध्यान रखना चाहिए वहां पर। दूसरा, जब ये लेट फॉलिक्यूल उसके बाद वाला जो फेज आ जाए, जब पीरियड्स खत्म हो जाए, तब आपको एक्सरसाइज ज्यादा करना चाहिए क्योंकि वो आपके बॉडी में अच्छी एनर्जी रिलीज करेगा और आपको एक एक्टिव, वो टाइम पर ना आपका ब्रेन भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अच्छी अच्छी आइडियाज आना, अच्छे से बात करना, मूड अच्छा रहना, ये सारी चीजें ये टाइम में होती है। फिर जो ये मिड रूटीन फेज होता है, फिर यहाँ पर आपको खुद का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए। बॉडी में थोड़ा मसाज ले लो, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालो, खुद बाहर चले जाओ, वॉक ले लो, नए लोगों से मिलो। ये टाइम में जब आप करते हो क्योंकि यहाँ पर आपकी बॉडी थोड़ी काम होती है, थोड़ी मेंटेन होती है। एंड देन फिर ये वाला फेज जब आने लगे, चार पांच दिन पहले वाला, तभी भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज हो या खाने का जो पोषण हो वो आपको लीव नहीं करना है, वहां पर भी आपको वो चीजें मेंटेन रखनी है, ठीक है, ताकि आपका ये वाला साइकिल वापस से आसान हो जाए। तो दो तीन चीजें जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लाइक प्रॉपर जो सेल्फ केयर होता है, खुद का ध्यान रखना, वो चीजें करना जरूरी है। मेरे लिए ये बोलना आसान है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे खुद के लिए करना आसान है, बोलना कोई बोल सकता है यहाँ खड़े रहते। तो यहाँ पर अगर छोटे छोटे चीजें हम दिन भर में अगर कर सके तो वो हमारी बॉडी को आगे जाके मदद देगी। हम डिस्कस करेंगे कि ये दो तीन छोटी छोटी चीजें क्या हो सकती है जो एक आगे हम लॉन्ग रन में कर सके, क्योंकि सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं। मुंबई की लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि यहाँ पर कोई रुकता ही नहीं है, यहाँ पर हर किसी को वो नए लोकल की, नेक्स्ट लोकल की टेंशन होती है कि अब घर जाना है तो अब घर कैसे जाना है ना, यहाँ तो पहुंच गए तो यहाँ से फटफट खत्म करके घर जाना है ना। मुंबई में हमारा सब कुछ है, बस टाइम की कमी है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आगे हम दो तीन और टिप्स डिस्कस करेंगे जो हम टेक केयर कर सकते हैं। ये कुछ पीरियड प्रॉब्लम्स है जो हम सब फेस करते हैं, बच्चे ज्यादातर फेस करते हैं, यंग एज जो 20 to 30 या 40 में जो होता है, ये सारे प्रॉब्लम हम ज्यादा फेस करते हैं। पेट में दर्द हो गया, अचानक हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर आपको एक्ने पिंपल्स आते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, वो आके रेंट बिना रेंट दिए आपके फेस पे रहते हैं। बहुत ज्यादा भूख लगती है, कभी बहुत ज्यादा लगती है, कभी पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खिला में फर्क नहीं पड़ता, बट कभी लगे तो ऐसा लगता है पूरा किचन आज खाली हो जाए, है ना, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, नसें चुभने लगती है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो पीरियड के टाइम पे एक लेडी गर्ल फेस करती है। और ये सब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, कुछ हार्मोन्स एक्स्ट्रा लेवल पे स्पाइक अप हो जाते हैं एस्ट्रोजन और, इसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। तो इसको ध्यान कैसे रखना चाहिए, इसका टेक केयर कैसे करना चाहिए, वो हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम्स कितने लोगों को यहाँ होती है, कुछ और चीज जो मैंने मेंशन नहीं किया ये होती है, कुछ रह गया हो किसी का, कुछ स्पेसिफिक आप कुछ शेयर करना चाहोगे कि ऐसा भी होता है, हेल्पफुल होता है जब पीरियड्स के आसपास ज्यादा जब आप जस्ट गोल्स होने वाले हो तो वहां पर हेयर फॉल का एक प्रॉब्लम होता है जो बहुत ज्यादा आता है। और एक और चीज जो देखिए ना, चिड़चिड़ाहट होती है और अचानक से हंसते हंसते इंसान रोना स्टार्ट कर देता है, ये वाली भी होती है। और मीठा खाने का मन भी बहुत ज्यादा करता है उन टाइम पर। ये तो उन लोगों के लिए हो गया कि जिनको पीरियड्स आते हैं, अब उनकी बात करते हैं जिनको पीरियड्स आती नहीं है रेगुलर, मतलब दो दो महीना, तीन तीन महीना स्किप, कभी कभी एक एक साथ नौ नौ महीना स्किप हो जाता है, ऐसे कोई है यहाँ पर, होता है। थैंक यू शेयर, हाथ उठाने के लिए थैंक यू, क्योंकि लोग इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। थैंक यू मैम, सेंड को होता है, बहुत लोगों को होता है। अब जब हम क्लिनिक में बैठते हैं ना, अगर उसमें पांच पेशेंट्स आ गए ना उस दिन में, उसमें से तीन होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। तो पीरियड्स आ गए ना, बॉडी देता है प्रॉपरली, उसके लिए भी उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि ऐसे बहुत होंगे जिनको भी पीरियड्स प्रॉपरली आते ही नहीं है। जिनका रेगुलर होता है ना, वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए, बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए कि मेरे को भाई वो अच्छी बात है, मेरे को पीरियड आते हैं, तुमको आते नहीं आते, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया आजकल की मिस्ड पीरियड्स, मतलब हॉर्मोन्स जो है, ये जो हमारे छोटे छोटे दूध है, ये अब अपना काम करना ही भूल जाते हैं। जिसको करना चाहिए वो करता ही नहीं, जिसको नहीं करना चाहिए वो करते रहता है काम।
सो जब बॉडी में मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन दोनों होता है फीमेल बॉडी में, जब मेल हार्मोन का प्रेजेंस ज्यादा हो जाता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तब ये हार्मोनल इम्बैलेंस मेंटेन होता है। इसको एक कॉमन डिजीज आप बोलते हैं कि पीसीओएस, पीसीओडी, मतलब कि थोड़ा सा बॉडी फैट हो जाती है या ठीक भी रहता है, फैट भी हो जाता है, और ये रहता है पीरियड्स मिस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे, चिन हेयर आना स्टार्ट हो जाता है, फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो जाता है, एब्डोमिनल जो कैविटी रहती है मतलब हमारे जो पेट का एरिया है यहाँ पर ज्यादा चर्बी बढ़ जाती है या बेली फैट वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, और मिस्ड पीरियड्स, मिस्ड मूड स्विंग्स, बहुत ज्यादा वो इंसान आपको डिप्रेस या नेगेटिव फील होगा, तो ये सारे सिम्टम्स हैं पीसीओएस पीसीओडी के। और ये बहुत कॉमन चीज है, जो हमारा ओवरीज होता है वहां पर सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, यहाँ पर फोड़े जैसे फॉर्म हो जाते हैं, और उसकी वजह से एग प्रॉपरली रिलीज नहीं होता है, उसके वजह से पीरियड्स नहीं आते। तो ये पूरी कहानी है पीसीओएस पीसीओडी की। आजकल हर दूसरी लड़की को ये इफेक्ट हो रहा है। इसके रीजंस क्या है? अच्छा नहीं खाते, अच्छे से सोते नहीं है, खुद का टेक केयर नहीं करते, बहुत ज्यादा जंक फूड हो जाता है, बाहर का जो कचरा खाना है या जो भी है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, या वर्क का कोई स्ट्रेस रहता है या पढ़ाई का कोई स्ट्रेस रहता है, ये सारी चीजों की वजह से पीसीओएस पीसीओडी लोगों में होता है, और ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है जनरली। तो ये सारी चीजों की वजह से होता है। एंड नेक्स्ट है मेनोपॉज। यहाँ पर क्योंकि ज्यादा परसेंटेज है मेनोपॉज वाली लेडीज का, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या क्या सिम्टम्स फील होते हैं जब आपका महीना बंद होने वाला होता है, तो कैसे पता चलता है, क्या क्या चीजें आप फेस करते हो, या डॉक्टर ने आपको कहा होगा कि अभी ये टाइम हो रहा है इसलिए ये हो रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बताना चाहेगा? जी चेंज होता है, महीने में दो बार फिर आते हैं, दो बार फिर आते हैं। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे? पाँव पैर में दुखता है। और कोई बताना चाहेगा कुछ उनके साथ स्पेसिफिकली हुआ? हॉट फ्लैशेस आते हैं। एक होता है कि आप बैठे हो फुल एसी में, लेकिन इतनी गर्मी होगी और पूरा पसीना पसीना बॉडी हो जाता है, ये वाली चीजें भी एक बहुत कॉमन है जो होती है, और बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होती है हर, मतलब तभी स्टार्ट में सिर्फ कमर की हड्डी दुखती है, यहाँ पर जब मेनोपॉज आता है ना तो हर एक हड्डी आपकी दुखना स्टार्ट कर देती है, कोई चीज करने का मन ही नहीं करता, हर किसी पे चिड़चिड़ होती है ना, बहुत कॉमन चीज है, सब बोलते हैं यार इसको हो क्या गया है, समझ में नहीं आ रहा है, हमारे साथ हो रहा है अभी, हम बहुत कॉमनली इस चीज को डील कर रहे हैं, तो इस वजह से इट्स अ कॉमन थिंग, एक एज की बात है, तो यहाँ आपको सच में नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या गो थ्रू कर रही है, और उस टाइम पे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लेडीज है, पर जितने जेंट्स हैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि रुक जाओ उस वक्त, थोड़ा सा चिल्लाने से पहले या कुछ बोलने से पहले, वहां पर उस सामने वाली को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बॉडी में क्या हो रहा है वो उसे खुद नहीं पता, तो आपको वो कैसे बताएगी, है ना? तो वो लेडी की हेल्थ का टेक केयर करना बहुत जरूरी है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या कहीं पर भी ऐसा हो कोई गो थ्रू कर रहा होगा ना, तो बस उसे थोड़ा सा धैर्य दीजिए, उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करिए कि ये नॉर्मल चीज है जो हो रही है, पर हाँ इस चीज का सलूशन भी है, इसको हम टेक केयर भी कर सकते हैं। टेक केयर करने के लिए क्या चीजें हैं? तो यहाँ पर दो चीजें टेक केयर करने के लिए, एक तो आप जिस तरीके का खाना खा रहे हो, मैं खाने पीने की डॉक्टर हूँ, ओके, मैं डाइटिशियन हूँ बेसिकली, तो मेरा वही काम है, मैं पूरा दिन उसी से डील करते रहती हूँ, ये खा लो वो खा लो वो खा लो, रात को सोने जाओ भी तुम खाना खाना खाने दिखता है, ठीक है? तो बात ये है कि ऑप्शन बहुत है खाने में, ठीक है, अगर बाहर चले जाओ तो मैं भी समोसा पाव भी ले सकती हूँ, मैं इडली वड़ा भी ले सकती हूँ, और कोई खाना बुरा या गंदा नहीं है, मैंने कुछ पहले कचरा कह दिया, पर ऐसे भी लोग हैं जिनके शायद पॉकेट में पैसे नहीं है, वो वड़ा पाव उनके लिए पूरा दिन काम कर देता है, तो किसी अन्य को किसी खाने को हमें कचरा या बुरा नहीं कहना है, पर हमारे पास क्या रहता है, एक चॉइस रहती है, क्या रहता है, चॉइस है कि मैं वो भी खा सकती हूँ, मैं ये भी खा सकती हूँ, मैं क्या चूज करूँ मेरे बॉडी में डालने के लिए, ये ऑप्शन ऊपर वाले ने हमको दे दिया है ना, कि ये भी है ये भी है तेरे पास, तेरे ऊपर है कि तुझे क्या खाना है, अपने बॉडी में क्या डालना है, तू 50 रुपए का केला ले सकते हो, तू 50 रुपए का बर्गर ले सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, वहां पर कोई चीज बुरी नहीं होती, कोई चीज गंदी नहीं होती, हाँ, पर जो एक कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसके अंदर की आपको पोषण की जो तत्व है वो ज्यादा अच्छे और वो आपको लेना चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें होती जिसको आप अवॉइड करें लॉन्ग रन में तो बेहतर हो, आपने कभी कभार ले लिया तो वो ठीक है,
आटा घर पे पीसते थे, धोबी कपड़े हाथ से धोते थे, तो बाकी सारा हमारा कुकिंग हाथ से होता था, आटा गूंदना हाथ से होता था, रोटी हम खुद बेलते थे। अब सारी चीजें किसमें बदल गई है, मशीनें बदल गई है ना। अब तो पंखा चालू करने के लिए आपको उठने की भी जरूरत है, आप रिमोट के इससे आप कर सकते हो, फोन के इससे आप कर सकते हो, है ना। जितना टाइम आ रहा है उतने हम क्या बन रहे हैं, सिर्फ बैठ के रह रहे हैं या सिर्फ सो रहे हैं, हम वो भी नहीं कर रहे, बिल्कुल ही नहीं रहे। तो एक चीज दूसरी है कि आपको कसरत या एक्सरसाइज इस चीज को आपके लाइफस्टाइल का एक प्रॉपर रूटीन बनाना चाहिए। फिर वो 10 मिनट क्यों ना हो सुबह में, फिर वो 15 मिनट क्यों ना हो, 10 मिनट 15 मिनट भी आपने चल लिया या आपने थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया पूरे दिन भर में, तो वो आपकी बॉडी उसके लिए आपको रात में थैंक्स देगी। एक पेशेंट की बोल रही थी कि मेरे पास सब कुछ है दुनिया का, बस मुझे नींद का प्रॉब्लम है, और सब कुछ उसको ऊपर वाले ने ऐसा दे दिया था कि उसको उठने की सच में जरूरत नहीं थी। तो वहां पर हमें 4-5 महीनों के बाद रियलाइज हुआ कि यहाँ पर इसका प्रॉब्लम नहीं है कि इसकी बॉडी थकती नहीं है तो रात को सोएगी क्यों, बॉडी जैसी है पूरा दिन वैसे के वैसी ही रहती है। तो जब आपको ऐसा लगे कि एनर्जी नहीं है बॉडी में, रात को नींद नहीं आ रही अच्छे से, उसका एक ही सोल रीजन है, आप बॉडी को मूव करना स्टार्ट कर दीजिए, आप बॉडी में थोड़ा मूवमेंट लाना स्टार्ट कर दीजिए, हिलना डुलना स्टार्ट कर दीजिए, तो चीजें हो जाएगी। दूसरा, खाने की जो चीजें है, यहाँ पर मैंने जितना हो सके आसानी से प्लेट को सॉल्व करने की कोशिश की है। हमारी जो महाराष्ट्रीय थाली या जो इंडियन थाली है ना, एक बहुत अच्छा चीज है, अंग्रेजों के पास वो ऑप्शन ही नहीं, पर हमारे पास वो ऑप्शन है। वहां पर आपके थाली में सब्जियां होनी चाहिए, एक कटा फल होना चाहिए, दही या जो कर्ड होता है वो होना चाहिए जो पेट पाचन के लिए अच्छा होता है, चावल राइस होना चाहिए। कोई भी आपसे कहे ना कि चावल बंद कर दो सब ठीक हो जाएगा, मोटापा चला जाएगा, ऐसे नहीं होता, वो भी जरूरी चीज है, रोटी भी जरूरी चीज है, हमारे पूर्वज खाते हैं तो आगे जाके हमको भी खाना ही है वो चीज, उसको कभी बाहर नहीं निकालना है, पर बाकी चीजें आप ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको आपका डाइट या खाने पीने की चीज थोड़ी अच्छी करनी है तो एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी कोई चीज निकालना स्टार्ट मत करें, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी ऐसे नहीं करना, उल्टा आपको अपने पेट को और अच्छा करने की कोशिश करना है। उसमें थोड़ा सा अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप नॉन वेजिटेरियन चीजें ऐड कर सकते हो अच्छी वाली, अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो प्योर वेजिटेरियन के जो अलग अलग कड़धने होते हैं, दाल होती है, पल्सेस होते हैं, ये सारी चीजें आप ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। तो डाइट का या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का जो एक चीज फर्स्ट चीज होता है वो ये है कि कभी कोई चीज को निकालना नहीं है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको ऐड करना है। लेकिन ऐड क्या करना है, 4 बर्गर 4 पिज्जा आपको ऐड क्या करना है, फ्रूट ऐड करना है, वेजिटेबल ऐड करना है, आगे जाके बात करेंगे और बाकी चीजों में से आप क्या ऐड कर सकते हो, देखिए कि फिर बॉडी उसको कैसे रिएक्ट करती है। आपके कहीं पर आपने YouTube पर सुन लिया, कहीं पर आपने Facebook पर सुन लिया कि ये पी लो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा, सुबह घोल के नींबू का पानी यानी शहद डाल के पी लो सब ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, वो एक चीज से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप धीरे धीरे अगर पूरे आपके दिनचर्या को ठीक करने की कोशिश करोगे तो आगे जाके इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ऐसी खाने की चीजें होती है जो हॉर्मोन्स में चेंजेस लाती है, तो बेसिक जो 4 हॉर्मोन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हैप्पी हॉर्मोन्स, दर्द पीड़ा दुख सबको है ना, पर हम सबको किस चीज की खुशी होती है, किस चीज की मतलब खोज होती है, खुशी की खोज होती है, हैप्पीनेस चाहिए यार, कहीं तो अच्छा फील हो। मैं यहाँ पर हर संडे हम क्यों आते हैं इतना समुंदर पार करके हमारे वाशी का, क्योंकि खुशी मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, मैं चेहरे दिए उनको गुड मॉर्निंग बोल दूँ ना तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, पूरे हफ्ते बाकी का काम करने की जो एनर्जी होती है वो मुझे आप लोगों से मिलती है ना। तो ये ऐसी गैदरिंग्स में मिलना, अच्छी बातें शेयर करना, अच्छे लोगों से मिलना, ये भी एक टाइप का आपके बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो एक होता है डोपामिन, जो एक आपने काम कर दिया, कितने लोग ऐसे होते हैं कि आज मैंने बर्तन धो लिए तो अच्छा फील होता है, लेकिन मैंने आज खुद से पूरा काम किया है ना, मैंने आज पूरे घर का इतना सारा हफ्ते से इतने दिन पेंडिंग काम था मैंने आज फिनिश किया। तो ऐसी कोई चीज होती है जो खुशी आपको मिलती है कोई टास्क खत्म करने से, वो आपको डोपामिन नाम के हार्मोन से मिलती है, ठीक है। दूसरा होता है कि जब आप धूप लेते हो बॉडी में या एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी में एक चीज रिलीज होती है कि सेरोटोनिन, जिसको मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, अच्छा नहीं फील होता आपको, कभी भी मूड स्विंग्स हो जाते हैं, चेंज हो जाता है, तो वहां पर बॉडी में सेरोटोनिन की कमी है, तो उसके लिए धूप
या बाकी लोग भी बता सकते हैं, अगर कोई और अगर मेरे हाथ से मिस हो जाए, तुलसी का ऑयल हो गया या कुछ हो गया, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये जब चीजें आप बॉडी में लगाते हो या मसाज करते हो तो उससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। तो ये जो पेन है, फैंटम पेन्स बोलते हैं या फटीग पेन्स, यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, बस दर्द हो रहा है, तो उस चीज से आपको फाइट करने के लिए मदद करेगा। और दूसरा लास्ट ऑक्सीटोसिन, ये अच्छा फील करने पे आता है, या किसी आपको बच्चे ने आपको आके गले लगा लिया, या आपने बच्चों को गोद ले लिया, या हंस रहे हो आप लोगों के साथ मिलके, तब जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। सो अगर वो हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट करना है तो आपको आपका पोषण अच्छा करना पड़ेगा, हिलना डुलना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और ये चार हार्मोन के खोज में लग जाना पड़ेगा। अब ये चार हार्मोन तो मैंने बोल दिया, इसके बाद इसकी टिप्पणी भी दे दी, ऐसे ऐसे करो मिल जाएगा, पर इतना आसान नहीं है आज तक की हमारी बागवत वाली जिंदगी, है ना। तो यहाँ पर आगे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। एंड बीएक्सएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जहाँ पर आपको ये चार चीजें साथ में आ जाएगी, आपको समझ भी नहीं आएगा वो कैसे हो गया। तो अगर खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करना है, खुद को एक अच्छे स्टेज की तरफ ले जाना है, या एक अच्छे इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ लेके जाना है, बैलेंस जहाँ पर हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, इसके तरफ ले जाना है, तो यहाँ पर आपको बीएक्सएल काफी मदद करेगा। एंड हम आगे देखेंगे कि ये चीज हम कन्वर्ट कैसे करें। अब तक यहाँ पर सारी चीजें समझी, या कोई डाउट आ रहा है, या कुछ हो रहा है, कोई सवाल है मन में किसी चीज को लेकर? ये हमारा प्रॉब्लम पार्ट था, हमने पूरा प्रॉब्लम डिस्कस किया, उसका रूट कॉज निकाला कि ये होता क्यों है, ये दर्द क्यों होता है, ये प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, ये क्यों होता है। अब हम थोड़ा सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इससे बाहर कैसे निकल के आना है। तो आप जो खाते हो आप वही नहीं हो, आपकी बॉडी जो एब्जॉर्व करती है, जो अंदर लेती है, ठीक है, बॉडी की जो क्षमता है उस चीज को समझना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। डॉक्टर्स इसी चीज के आपसे इतने सारे पैसे लेते हैं, है ना, वरना तो सबकी बॉडी अलग है, बट आपकी बॉडी में स्पेसिफिकली आप क्या एब्जॉर्ब करके ले सकते हो वो चीज वो आपको बताते हैं, और उसका स्किल्स ये है।